look. Hey guys, welcome back to our channel and you're watching DS Vlogs. So guys, आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आ चुके हैं अलीशा इलेक्ट्रिकल्स पे. इनके पास कूलर की सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी गाइज. आप इसमें चीपेस्ट से लेके हाईएस्ट तक कितने भी कूलर ले सकते हैं और कूलर की वैरायटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इनके पास. आप एक बार ज़रूर विजिट करिए. तो अब मैं शॉप के ऑनर से मिलवाता हूँ, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या प्राइसिंग होने वाली है. तो चलिए चलते हैं. हम आपको कूलर की स्टार्टिंग दिखाएंगे. 1400 से 1500 रुपये से स्टार्ट होगा, जिसमें प्लास्टिक, लोहा और सब तरह की वैरायटी मिलेगी. जिसमें आपको प्लास्टिक का कूलर मिलेगा जिसमें आइस चैम्बर भी है ऊपर. आइस चैम्बर भी है, हनी पैड भी मिलेगा हाई स्पीड की. इसके अंदर मोटर है और ये हनी पैड ही होता है ये भैया. इसको ज़्यादा टाइम तक फिर चेंज कराना नहीं पड़ता. 4-5 साल तक आपको इसको चेंज कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉश करते रहें. फ्रंट में ऑटो रोटेशन है, इसमें पर्दे अपने आप रोटेट होते हैं. ऊपर इसमें आइस बॉक्स है, ये देख सकते हैं आप. यहाँ पे बर्फ डाले वो मेल्ट होकर आपके पर्दों में आ जाएगी और कूलिंग अच्छी करेगा. इसके अलावा हेमगिरी का कंपनी ब्रांड है. हाँ, ब्रांड है हेमगिरी का. इसके अलावा और वैरायटी मिलेगी आपको. 1300, 1400, 1500 की रेंज में इस टाइप के कूलर मिलेंगे आपको, जिसमें लोहे के कूलर होंगे, कूलिंग अच्छी करेंगे. भैया इनकी वो कैसे होती है, मोटर किस चीज़ की होती है? मोटर इसमें आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी. आपको कॉपर की चाहिए, एल्युमिनियम की चाहिए, हर तरह की मिलेगी. इसमें एल्युमिनियम भी है, कम समय की डिमांड होती है, कॉपर में चाहिए तो वो भी मिल जाएगी. बेस्ट कॉपर की? हाँ, बेस्ट कॉपर तो कॉपर ही है. इसके अलावा और जैसे आपको बड़े साइज मिलेंगे उस तरह के, जैसे 15 इंची का कूलर है, पूरी मार्केट में 3 से 3500 की रेंज में मिलेगा, जो आपको वहाँ पर 2200 से 2300 की रेंज में मिल जाएगा. हमारा मेन काम जो है वो होलसेल का ही है. इसका हाँ रिटेल भी करते हैं. हाँ हाँ जी. इसके अलावा जैसे साइज होंगे उस हिसाब से साइज मिलते रहेंगे आपको. और जैसे ये 18 इंची का कूलर है, ये फाइबर का है, फैंसी कूलर, जिसमें आपको ट्रॉली भी मिलेगी. इसमें आपका रेगुलेटर भी, आप लो मीडियम हाई भी कर सकते हैं स्पीड. इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है. इसके अंदर 18 इंची का एग्जॉस्ट फैन है हाई स्पीड का, जिसके 1440 RPM है. एक मिनट में 1450 चक्कर है. बिजली वोल्ट के हिसाब से होती है, आप इसे इन्वर्टर से भी चला सकते हैं. हाँ चला सकते हैं. और दिखाते हैं आपको, जिसमें लोहे का कूलर है ये 18 इंची का कूलर. इसमें गेज का हिसाब होता है, जितना हैवी गेज होगा उतना बढ़िया कूलर होगा. इसमें आपको जो है 18 इंची का फैन लगा हुआ, हाई स्पीड की मोटर है इसके अंदर फ्रंट में. और लोहे के कूलर की कूलिंग भी सबसे अच्छी होती है. जैसे पूछना था लोहे के ज़्यादा अच्छे होते हैं प्लास्टिक के कूलर? ये डिपेंड करता है, अगर आप रूम के अंदर रख रहे हैं तो प्लास्टिक रखेंगे और रूम के बाहर रखेंगे तो लोहे रखेंगे. विंडो के बाहर रखना, हाँ, तो आप लोहे का कूलिंग अच्छी रहेगी जी. जैसे इस टाइप के ये आपके DC कूलर होते हैं, बड़े कूलर जो आप बड़े बड़े हॉलों में लगा सकते हैं. इसमें इसमें हनी पैड भी है पीछे, आप देखिए इसमें बड़े बड़े लगे हनी पैड. हाँ सिंगल पैडिंग होता है, ये रूम AC कूलर होते हैं. इसमें अलग अलग प्राइस होते हैं, 10-10.5 हज़ार की रेंज में मिलेगा आप. आजकल सबसे ज़्यादा कूलर ये चल रहा है बहुबली कूलर. आप 50 गज के हॉल में या 100 गज के हॉल में लगा लिए इसे और कूलिंग ना करे तो कूलर वापस दे दिएगा आप हमारे. शादी वगैरह में भी लगा, किसी में भी लगा लिए आप. जैसे आपको स्लिम कूलर चाहिए प्लास्टिक में तो 3500, 4000, 4500, 5000 की रेंज में आपको इस टाइप के कूलर मिल जाएंगे. जो हनी वाटर लेवल चेक कर सकते हैं, वाटर लेवल भी चेक कर सकते हैं. इसके अंदर हनीकॉम पैड है, फ्रंट में ऑटो रोटेशन है, पावर सिस्टम है. जब तक आप मेन पावर नहीं दोगे इसमें, जब तक मेन पावर नहीं आएगी तब तक कूलर नहीं चलेगा. इससे इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है. आपने क्या, अगर आपने डायरेक्ट लगाया तो वोल्टेज ज़्यादा लेगा. इसमें जब तक मेन पावर नहीं आएगी तब तक कूलर नहीं चलेगा. जैसे आपको कूलिंग चाहिए उसे आप कर सकते हैं. इसमें मॉडल मिलेंगे आपको बहुत सारे जी. लोहे में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको, 4 फुटे 5 फुटे सब तरीके के मिलेंगे. एग्जॉस्ट में भी हैं और प्लास्टिक में और सब बहुत सारी वैरायटी हमारे पास. इसमें यार हर कूलर में आपको हमारे व्हील सेट मिलेगा, जैसे कस्टमर परेशान होता है रोटेट करना खाना ज़्यादा. हाँ इस तरह से आ जाओ. ये नेक्सा कूलर है, बड़ा कूलर है. इसमें आइस बॉक्स भी ऊपर पूरा फ्रंट में, इतना बड़ा आइस बॉक्स किसी कूलर में नहीं मिलेगा आपको. इसमें आप आइस डाल लेंगे वो मेल्ट होके खुद पर्दों में चली जाएगी और कूलिंग करेगा. हाँ और ये आपको इसमें आपको व्हील्स मिलेंगे, जैसे लोहे का फैंसी कूलर है. स्लिम कूलर आपको कहीं नहीं मिलेगा लोहे का, हमारे पास वो अवेलेबल है. इसमें आपको हनी पैड भी मिलेगा, सबसे बेस्ट चीज चल रही है आजकल हनी पैड. हनी पैड भी मिलेगा इसमें आपको, स्लिम कूलर है. इसमें ट्रॉली में किसी को हनी पैड लेना अलग से वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा. कूलर का साइज बता दिया आपको, मिल जाएगा हनी पैड भी. किसी को अपने हिसाब से बनवाना हो, मेरे को इतने साइज सब वो सब कुछ मिल जाएगा. जैसे भारी चादर में चाहिए किसी को लोहे का कूलर, 20 गेज, 18 गेज, 16 गेज, उस टाइप में भी सारे कूलर मिलेंगे.
और ये मॉडल आपके सामने सारे लगे हुए हैं प्लास्टिक लोहा जैसे, ये तो फाइबर में कूलर चाहिए कस्टमर को जैसे व्हील वाला, तो फाइबर में ये कूलर 3500-4000 की रेंज में आपको बहुत बढ़िया हैवी एग्जॉस्ट फैन के साथ मिल जाएगा। देख सकते हैं गाइस भैया के पास वैरायटीज बहुत हैं, आपको एक बार विजिट करोगे तभी पता चलेगा। आप देख सकते हैं बहुत वैरायटी मिलेगी आपको, आप जैसा कूलर चाहते हो छोटा बड़ा जिस टाइप का, रेंज का मैटर नहीं है हमारे यहाँ, आपको जिस रेंज का कूलर चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कस्टमर ये सोचता है कि आप चैनल पे कुछ बोल रहे हो या दे कुछ और, तसल्ली से सुनिए, जिस मॉडल के मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ उसे समझें, और उसके बाद मेन जो प्राइस बढ़ते हैं वो मोटर पे बढ़ते हैं। अगर आप एल्युमिनियम के लोगे तो उसके रेट अलग होंगे, अगर आप कॉपर की मोटर लेंगे तो उसके रेट अलग होंगे, रेटों में कोई आपको वो नहीं होगा। होम सर्विस है हमारी हर कूलर की, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी कूलर हो आपको होम सर्विस मिलेगी। अगर जैसे हमारे पास फीडबैक में केसेस ज़्यादा हैं जैसे उनके करने, तो थोड़ा टाइम लग सकता है मगर आपकी सर्विस होगी, ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं आ रहा। होलसेल में आपकी क्वांटिटी है 4, 5, 50, 100 जितने भी चाहिए आपको वो ले सकते हैं, ऐसी कोई आपके ऊपर फाउंडेशन नहीं है कि आप आए होलसेल में और आपको 50 ही पीस लेने हैं, आपको एक छोटे स्टार्टिंग के लिए 6 पीस चाहिए 10 पीस चाहिए आप वो भी ले आ सकते हैं। किसी को शॉप वगैरह खोलनी है तो उसके लिए बेस्ट है आप एक बार विजिट करें, हमारी क्वालिटी देखें, हमारे रेट्स देखें, अगर आप सूटेबल लगता है तो आप लिए, नहीं लगता मार्केट ट्राई करिए फिर हमारे पास आ जाइए। मार्केट में बहुत कुछ है पर भैया की मेरे को बड़े लगा इसलिए मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं। बहुत वैरायटी है, जस्ती चादर पे मिलेगा जिस चादर पे जंग नहीं लगता, हमारे यहाँ ये कूलर है, इस चादर में आप पानी कितना ही डालो उस पर जंग नहीं लगेगा, बेफिक्रोगे चलाओ, हाई स्पीड का मोटर है। और जब आप विजिट करोगे तब आपको वैरायटी और अच्छी दिखाई दी जाएगी, जैसा आपको रूम के हिसाब से चाहिए होगा, फैक्ट्री के हिसाब से चाहिए होगा, हर तरीके के हिसाब से मिल जाएगा। भैया एक वो भी तो होता है जैसे हम पाइप की फिटिंग करवा देते हैं पूरे में, वो भी हो जाता है? वो डक्टिंग होती है जो आप छत पे कूलर रखते हैं और आपके घर में हवा आती है, वो भी हो जाती है। तो वो वर्क आप करवा दो, सब कुछ करवा देते हैं, आपको आना पड़ेगा उसके लिए और जैसा आपका वर्क होगा वैसे हो जाएगा। अब कुछ कूलर होते हैं जो कस्टमर को बड़े कूलर चाहिए होते हैं, 5 फुटे 6 फुटे बड़े बड़े कूलर चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, सारी चीज़ें लोहे में प्लास्टिक में जिस तरह में आपको चाहिए बस वो मिलेगा। तो गाइस भैया ने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको बता चुके हैं, पर इसके लिए आपको विजिट जरूर करना आना पड़ेगा, आपको मस्त पहले। हाँ लोकेशन यस, मेन रोड सीलमपुर G146 नियर बाय मेट्रो स्टेशन सीलमपुर। गाइस वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है और सीलमपुर चौकी की रेड लाइट के बिल्कुल जस्ट बराबर में पहला शोरूम है हमारे। जो ब्रांड है हमारे दो ब्रांड है, कि डी फॉर डिस्काउंट और दूसरा हमारा अलीशा इलेक्ट्रिकल्स, ये दोनों ब्रांड हमारे हैं। बोर्ड लगा होगा चाहे डी फॉर डिस्काउंट का हो चाहे अलीशा का हो, वो दोनों ब्रांड हमारे हैं, उसके ब्रांड है और इनकी वारंटी वगैरह होती है, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस जरूर एक बार विजिट आप, बिल्कुल थैंक यू सो मच। गाइस ये भैया का कार्ड है आप देख सकते हैं, अलीशा इलेक्ट्रिकल्स इनका नंबर है और भैया ने आपको लोकेशन समझाई दिया। गाइस सबसे बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए आप, आपको बढ़िया लगेगा। सो आई होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और गाइस नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस जब मैं रेगुलर वीडियोज़ पोस्ट करूँगा तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए गाइस लाल कलर के बटन को।